अब एबी रोड से महू जा रहे हैं। रास्ते में अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, पहाड़ भी है, मौसम भी मस्त है। इंदौर से 20 किलोमीटर दूर है महू, जहाँ पैदा हुए थे बाबा साहेब, जिनने संविधान लिखा और हम लड़कियों को खूब सारे अधिकार दिए। लो हम पहुंच गए यहाँ। वाओ, कितना सुंदर है स्मारक। आज हम आए हैं महू, MHOW मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। इसी जगह पे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी मिलिट्री में काम करते थे और सुबेदार थे। आज हमारी पूरी फैमिली इस जगह पे घूमने आए हैं। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। तो अंदर इधर पे है विहार के अंदर का वस्तु। चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले है कुछ मूर्तियाँ, जैसे कि ये और जैसे अंदर की दीवार में उनकी लाइफ और उनके कामों की बहुत सारी जानकारी लिखी है। चित्र भी बने हैं। माता रामाबाई की मूर्ति भी यहाँ है। बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्थि कलश रखा हुआ है। ऊपर की मंजिल पर जाकर हम वंदना पूजा करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो कैसा लगा महू में आके? जय भीम, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं चाहूँगी हर साल आऊँ।
और यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करूँ, क्योंकि उन्होंने जो संविधान दिया उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मुझे लगता है कि हर साल इस जगह पे लोगों ने आना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब को याद करना चाहिए और उनके संविधान की रक्षा करना चाहिए। आप हमने इनसे तो पूछ लिया, अब हम पूछते हैं आई से, आपको कैसा लगा यहाँ पे? मुझे तो, मैं पहले एक बार आई थी जब ये विहार बन रहा था 15 साल पहले 2008 में, और उसके बाद मैं अभी आई हूँ, तो 15 साल में इतना परिवर्तन हो गया कि मैं तो एकदम गदगद हो गई। मुझे लग रहा कि मैं यही नमन करते रहूँ भगवान बुद्ध बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, उनके दिखाए हुए मार्ग पर लोग चले, संविधान बचा के रखे और देश को भी बचा के रखे, यही मेरी आत्मा कहती है। अब मैं पूछूंगी मेरी बहन आरोही से, आपको कैसा लगा मूवी में? अच्छा लगा। अब पूछती हूँ मेरी बड़ी बहन मुझे तो मऊ आके बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। और आपको? मुझे भी मऊ आके बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने अपनी फैमिली के साथ उसे एक पिकनिक की तरह स्पेंड किया जो कि मैंने बहुत टाइम बाद किया है, इसलिए मुझे और ज़्यादा मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा। और अब हम पूछेंगे मम्मी से, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और हर व्यक्ति को यहाँ पर हर साल में एक बार ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए और मऊ घूमना चाहिए, और यहाँ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन सब हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए यहाँ से। तो आज हमें पता चला कि इन लोगों को कैसा लगा कि मऊ कैसा है और क्या कैसे होना चाहिए, और थैंक यू।